नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। अनुष्का शर्मा पुनः अभिनय क्षेत्र में प्रवेश करने वाली हैं। तीन कहानियों पर विचार चल रहा है, किसी एक को चुनने में समय लग सकता है। अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह ने आदित्य चोपड़ा की फिल्म बैंड बाजा बारात में साथ काम किया था। यह अत्यंत मनोरंजक फिल्म सफल रही। इसमें दोनों के किरदार शादी आयोजनों के व्यवसाय से जुड़े थे। शुरुआत में उन्हें मध्यम वर्ग में ही काम मिलता है। दोनों का विचार था कि शादी समारोह में स्वादिष्ट भोजन ही लंबे समय तक याद रहता है। जीभ की स्मृति कानों सुनी और आंखों देखी से अधिक समय तक बनी रहती है। यकृत शरीर का सबसे मजबूत अंग है और विचार प्रक्रिया मस्तिष्क की मजबूती का प्रतीक है। एक अमीर घराने द्वारा आयोजन का अवसर मिलता है उन्हें और यह अत्यंत सफल होता है। इसकी खुशी सैंपेन पीकर मनाई जाती है। नशे के आलम में वे शारीरिक अंतरंगता की ओर बढ़ जाते हैं, परंतु पारंपरिक तर्क ही मूल्य मिथ्या अपराध बोध पैदा करते हैं। विवाह आयोजन के व्यवसाय में अहंकार टीम को तोड़ देता है। टीम टूट जाती है और उनके स्वादिष्ट भोजन पकाने वाले किसी एक के साथ काम करने से इनकार कर देता है। आर्थिक मजबूरियां दरारें डाल देती हैं। यह एक सुखांत फिल्म थी। अनुष्का शर्मा की फिल्म NS10 में युगल का अपहरण कर लिया जाता है। जब अपराधी जश्न मना रहे होते हैं, तब अनुष्का अभिनीत पात्र उनकी मदहोशी का फायदा उठाकर परिवार के एक शिशु को पकड़कर उन्हें धमकी देती है कि शिशु को कुएं में फेंक देगी। दीप्ति नवल अभिनीत पात्र को आदेश देती है कि सारे सदस्यों को कमरे में बंद करके चाबी उसे दे दे और वह शिशु को आजाद कर देगी। पांचों अपराधी अपने आप को बचा लेते हैं और इसका पीछा करते हैं। एक स्थान पर नायिका लोहे के रॉड से उनकी पिटाई करती है, किसी के हाथ तो किसी का सिर फोड़ देती है। इस समय तक उसे ज्ञात हो जाता है कि उसके प्रेमी को मरणासन्न हालत में यह छोड़ गई हैं। अब वह एक खयाल सेठनी की तरह अपराधियों पर टूट पड़ती है। फिल्म के अंत में वह दीप्ति नवल अभिनीत पात्र दंडित नहीं करती। वह कहती है कि उसके द्वारा दी गई क्षमा ही उसके लिए दंड है। हिंसक पशु समान अपने भाइयों के लिए वह रोती रही। अनुष्का एक आधी पड़ी सिगरेट का एक कश लेती है और धुआं उड़ाते हुए हाथ में लोहे की रॉड को जमीन पर रखती है। रॉड के एक छोर को वह अपने हाथ में रखते हुए चलती है। सड़क पर रॉड के खिसटने की आवाज मानो उसका हमसाया है। इस फिल्म में नायिका मदद के लिए हर घर की साकल खटखटाती है, परंतु पूरे गाँव एक पौराणिक कथा से प्रेरित नौटंकी देखने में मगन है। क्या फिल्मकार का यह संकेत है कि आवाम पौराणिकता के नशे में चूर अपने निर्मम यथार्थ से पलायन कर रहा है? अनुष्का अपनी नई फिल्म में कोहली को भी मुख्य भूमिका देंगी। किसी भी सितारा टीम से अधिक इस जोड़ी को लोकप्रियता हो सकती है। आज भी भारत में पत्नी द्वारा निर्देशित होना पसंद नहीं किया जाएगा। सदियों पहले ही हमारे DNA में यह शामिल हो चुका है। अनुष्का शर्मा पहले भी फिल्मों का निर्माण कर चुकी हैं। NS10 में भी वे बतौर प्रोड्यूसर जुड़ी रही। अनुष्का शर्मा निरंतर स्वयं को मांज रही हैं। आर्थिक सुरक्षा में वह कैद नहीं है। अनुष्का तो उस पंछी की तरह हैं जो पिंजरा लेकर ही उड़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।